तो भाई देखो आज की तैयारी इतनी लंबी है, सब हमने देखो पानी की मोटी व्यवस्था की है। इंद्र भाई क्या आज कैसा रहेगा? बस मजा आएगा। अच्छा यो ये ठंडा पानी आपको चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा पक्का। पानी है, दारू नहीं। वो सेना ही बज रही है देखो आज की तैयारी के लिए। तो हेलो दोस्तों भाइयों, राम राम। आज दिन की शुरुआत तो वैसे मैं सुबह 6 बजे कर दी थी। इन जगहों में लगभग 80-85 किलोमीटर दूर था और आज मैं जाऊन वाला हूँ महाराष्ट्र महीने सबू ऊंची चोटी है कलछू भाई और उन्नी अभ्यारण महीने अट जो हरिश्चंद्रगढ़ अभ्यारण है और इनमें जो दुनिया रो अंत रो जो एक स्थान है उन जगह मत मैं आप लोगों ने लेन जाऊंगा और मंजिल भी बड़ी खूबसूरत है आज। और सुबह निकले हमें बहुत जल्दी और काफी लोग ग्रुप में आते, भाई बंधु भी है, थोड़ा आनंद आवला आज इन सफर महीने। और फिलहाल जो है मैं अटे हरिश्चंद्रगढ़ अभ्यारण्य जो चेक पॉइंट है वट खड़ो हूँ। अब अपनी असली यात्रा शुरू वेला, तो एक बार देखो आप लोगों ने हाथ है विनू मिलाऊ। हेलो। अभी ये सब बड़ी मतलब धनात्मक ऊर्जा के साथ में बोल रहे हैं और धीरे धीरे इनकी हालत भी खराब होने वाली है। और वो अटल चेकिंग पॉइंट है, कितनी चढ़ाई है? लगभग दो घंटे। तो देखो सा अटू लगभग मोने 2-2.5 घंटा तो चढ़ना है, कमू कम टाइम है जो रेगुलर चढ़े विनर वास्ते। मोने की तो टाइम लागे, मैं थोड़ा ऊपर जान बताऊं और ऊपर मौसम भी बड़ो जबरदस्त रहन वालो है। तो आज रे वीडियो में थोड़ो घणो घणो स्वागत है। वीडियो ने बार लाइक कर दीजो, चैनल में तो नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजो, ठीक है हुकम। तो देखो सा अब मैं जंगल में एंट्री कर चुका हूँ और हम यहाँ देख रहे हो ऊपर चोटी है। आगे जो है एक गांव आवे, ये आदिवासी गांव है अट नीचे। जैसे बारिश नहीं है लेकिन वट देखो वो पानी का झरना भी चलता दिखे। और दूसरी बात है कि मौसम भी थोड़ो अलग लागे तो ऊपर क्यों छा पड़ेला। आज जो है मैं घना जना हूँ तो मोने आनंद आवेला सफर रो। एकला आया था दलजी, कोई मतलब नहीं है। जो को अंग्रेजी ब्लॉगर है वे कहे फॉग, तो वाह है हम ही देखो अटे। और ये अटारा भेड़ बकरियों चारण वाला है, आदिवासी है अटारा। और आगे देखो नीचे गांव देखो आप, पूरा बहुत बड़ा ही अटे गांव वसीड़ा है। और देखो और बड़ा ही सुंदर नजारा है इन गांव वाला और बड़ा अच्छा लागे। तो मैं अटे पहली बार आयो हूँ इन रूट, जो को है फर्स्ट टाइम आया है। बाकी ये तो सूरा है जो एक लारू चढ़ गया था तो हमके थोड़ा व्यवस्थित तरीका में आया है। आज बात है कुल मिला। और देखो मैं एक गांव और मैं चल रहा हूँ और वो पूरा आदिवासी गांव है। हम आगे ध्यान नहीं है कि रोड नीचे है कि नहीं है। तो देखो सर बड़ा सुंदर नजारा है अटारा, बहुत अच्छा लागे। मतलब अटे जो को है गांव भी देखने वास्ते मिल जा, प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने वास्ते मिल जा और सह्याद्री पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र भी देखने वास्ते मिल जा और बड़ा अच्छा नजारा है। मजा आवे एकदम नेचुरल साधारण जीवन है वो अटे देखने वास्ते मिले। और देखो ये काकी जी जो है फोटा टेकन जावे है, ये छोरा आया देखो। ओहो जोरदार जगह है यार वाह भाई साहब। देखो अटे बोले रो धो रिया है एड़ा एकदम पवित्र पानी। और ये देखो हम ही झरना है अटे सा, जोरदार नजारा है। कहूं ना मतलब यूं है कि आज बड़ो मजो आउन वालो है। और क्योंकि देखो शुरुआत में इतना अच्छा नजारा दिखे तो आगे की तो मजो आवेला और बहुत आनंद वालो सफर है वेला अटे। तो देखो आप ये अट देखो जो रूरल एरिया में घर बनियोड़ा है, ये देखो गांव और ये अट देखो रहन सहन है आड़ी। ये देखो भाई साहब भयो जरा वे भाई जी राम राम। कितना है यहाँ से अब आगे? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है अच्छा। और देखो ये ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे। आज सफर लगभग बहुत लंबो है, 8-10 घंटों का सफर है। शाम तक मैं नीचे आवाला और आप लोगों ने हेड तक री पूरी जर्नी दिखावाला वीडियो में मैंने। तो आप लोग वीडियो ने बार लाइक कर दीजो। खूब सारा लोग जो आटे आज ऊपर जा रहा है। तो देखो सा मैं जिन चेक पॉइंट हूँ वटे आपने दिखाए तो कि भाई अटू हरिश्चंद्र अभ्यारण शुरू हो जावे, तो उन जगहों मने हरिश्चंद्र गढ़ी जो चढ़ाई है उठ तक आउन में लगभग जो है आधो घंटो लागे और 12-13 किलोमीटर डिस्टेंस है। और अबार देखो अटे चाय नाश्ता पानी की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और आप लोग कभी भी भविष्य में आ जाओ इन जगह माते तो अटे आपने स्टॉल तो मिल जावे। और इनसाइड देख रहे हो आप,
आ है चावल री खेती। इन गांव और नाव में पांच नई और आकोले तालुका है और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़े महाराष्ट्र में। और अभी मैं नाश्तो करने वास्ते इन जगह रुकिया हूँ। मैगी ये तो हाँ मैगी मंगेगी लेकिन पुआ उठा दिया। तो देखो मित्रों आज रो ओ जो सफर है पूरो ट्रेकिंग सफर है। ऊंचा पहाड़ माते सड़नो है और देखो फिलहाल मैं जो है अटू सड़े शुरू कर रहा हूँ वो है हरिचंद्रगढ़ काड़े वो गेट है अटू सड़ना नी। यहाँ से चढ़ना है हम लोगों को ऊपर, हमारी चढ़ाई शुरू होगी यहाँ से और इस तरफ पार्किंग है यहाँ का। तो हरिचंद्र मंदिर जो है 3 किलोमीटर है और बाहर मैं मेन गेट आगे खड़ो अटू जो है रास्ता शुरू है ट्रेकिंग रो। तो मैं सब लोग जा रहा हूँ ऊपर और अब टाइम होया 9:30 है। सुबह 6 बजे मैं घरू निकलिया था और मैं आज निकलिया था जूनर हूँ और जूनर पुणे डिस्ट्रिक्ट में आवे और वो जो हरिचंद्रगढ़ है वो अहमदनगर में आवे। तो लगभग सुबह भी मोहनत खासो टाइम लागो तो आटा हूँ मैं। और अब मोनी असली जो है आज री यात्रा शुरू हुए है। तो वीडियो ने जरूर लाइक कर दो और चैनल में तो नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देख दो। तो सर वो आप देख रहे हो वो है केकड़ो और अटर लोग इन्हें खा जावे। बड़ो जहरीलो है फिर भी लोग खा जावे इन्हें और थोड़ा उल्टो चाल रहे है। चढ़नो भी थोड़ा मुश्किल है, एकदम चिकनी माटी है और उन बाद में देखो गोल पत्थर है तो अपन पग तो बहुत दूर टिके, कोई हादो आदमी वे तो ही ऊपर जा सके, बाकी तो खेड़ नहीं तो नीचे। तो मोरी यात्रा में थोड़ा सो एक मोड़ आयो है और चढ़ाई अड़ने शुरू हो रही है। इन जगह माते फूल भी बहुत प्यारा प्यारा है। अब आप लोग देख रहे हो हम ही देखो कितना तो बढ़िया झरनो है। यहाँ पे देखो बड़ी कठिनाई है, यहाँ पे रोड वगैरह थोड़े से अबड़ खबड़ हो गए है और सूरज भाई हमारे राजस्थान से आए है, यहाँ पे वो आ रहे हैं। और हमारा सबसे मजबूत साथी ये है आज पानी, क्योंकि लगभग 3.5 घंटे की चढ़ाई और वापस उतना ही उतरना। तो देखो भाई ये अटारा स्थानीय भाई साहब है और कई नाम है साहब आपरो? भावका उगड़ी उगड़े, बड़ा अच्छा नाम है आपका। इधर यहाँ पे कितने टूरिस्ट आते हैं रोज के? रोज ये चाहते 2-3 लोग इतना आ जाते हैं। हाँ फिर तो अच्छा टूरिस्ट है इधर। इधर के हो नीचे टलटी के गांव के? हाँ अच्छा अच्छा ओके धन्यवाद। आप शिवनेरी को गए थे क्या? हाँ गए थे ना। अब देखो वहां से एक मिनट ना यहाँ से देखो वो सामने वहां पे ये जो आप जाली लगी देख रहे हो यहाँ से होके आगे जाना है और इधर ये लोग भी चल रहे हैं हमारे साथ में। इन जगह में तो धूप भी बहुत ज़्यादा है और वो जो आप आवाज़ सुन रहे हो पानी री वही झरनो है जो मैं नीचू दिखाया था आपने। और वो जो ट्रैक है इनमें तो अगर बरसात चलती हुए तो फुल पानी चले, लेकिन अब बारिश नहीं है इन हिसाब आराम आप लोग चल सको आटे। बाकी ट्रैक बड़ो खतरनाक है वो, एक तो कोई फिक्स रूट नहीं है, अटनू अटनू पाँव अटकान ऊपर जाना पड़े और उन बाद में पूरा टूट ही है बरसात रोज। अरे अरे क्या बने पल पल न माने टिंकू जिया, इधर सारे टिंकू जिया गोल मटोल हो गए। सबकी एनर्जी ध्वस्त होती हुई और थोर भाई शुरू तो थोन ठा सडेला, बाकी तो हैंग हाथा था लेला तो ही सडेला नहीं तो पास आ जाला। तो देखा मैं सड़ सको नहीं सड़ सको वही हाल फिक्स नहीं है। हमें यहाँ रेलिंग है थोड़ी मदद मिले ला क्वाइटा आटे थोड़ी सी व्यवस्था अलग है ऊपर सडनी। तो देखो भाइयों ज्यो ज्यो मैं ऊपर आ रहा हूँ सफर और भी शानदार होता जा रही है, सुहाणो भी होता जा रही है, हाथा तो थकान भी हो रही है लेकिन एक धनात्मक ऊर्जा आवे अड़ो वातावरण देखो जन ऊपर। आज ऐसा है कि इधर सब लोग आ रहे हैं तो थोड़ा मतलब बोरिंग नहीं लगता है, इतने लोग चलते हैं तो थोड़ी बातचीत हो जाती है। ऊपर जो है पानी रा झरना आ रहा है
मतलब चिल होगी है पहाड़ ऊपर तो देखो ओलोल ओलोल नीचे पानी रो एकदम पालर पानी ओ पानी रो बगुलो भरीज रियो यस बहुत ठंडा गार पानी है तो देखो भाइयों धूप कितनी है और मैं आटे क्यों आयो थोने बताऊं देखो मैं ऐडा सुंदर सुंदर नजर और आनंद लेने आयो हूँ और ऐडो मौको सिर्फ इन टाइम इज मिले जो बारिश रो टाइम वे उन टाइम आटे खूब अच्छा अच्छा झरना चले और पानी री आवाज सुनने में मजा आवे ओ पूछो धुन में मस्त हो जाओ ऐडी और मात्र शक्ति भी आटा आयोडी ऐसा और देखो आगे बहुत सुंदर झरनो है वो बड़ो मजो आ रही ये है देखो असली आनंद अब देखो मैं एक और पड़ाव पार कर लियो और अब मैं एक ब्रिज मत चढ़े रही हूँ अजड़ रास्ता तो आई गो है पाचो पहला सडनो फस उतरनो फस सडनो फस उतरनो यूं है तो अब देखो जी वना आप खुश हो रही हो है और अनु तो राजी हो रही हो है के आप लोग देख रहे हो लारे एकदम समतल है मैं नीचे आप जितो ही पहाड़ आपने दिखाओ तो नहीं इन बराबरी माई गया हमें वो देख रहे हो आप बटे वो मंदिर ऐसा तो देखो भाई हमें मैं जो है टट ऊपर आई गया हूँ और इनसाइड लार देख रहे हो ये काफी सारी स्टॉल बनी हुई है और अट नाश्तो बिजी मिल जावे आप लोगों ने और मैं भी थोड़ी देर रुकिया था लार स्टॉल में नाश्तो करियो तो क्योंकि लंबी चढ़ाई थी लगभग 2-3 घंटा लाग गया मन चढ़ता और अब मंदिर भी आई गयो है तो देखो मित्रों अब मैं जो है अटारो जो मेन मंदिर है भगवान हरिश्चंद्र जी मंदिर नाम फेमस है और कहवे के राजा हरिश्चंद्र टाइम आ जगह जो है अस्तित्व में है और इन जगह माते पांडव भी आया था और अट मंदिर बनाया तो आ मान्यता है इन साइड एक घाट है आप लोगों ने घाट रो थोड़ा दृश्य दिखाऊ इन साइड ले जा पर और अट जो है जितना भी छोटा बड़ा स्थान है सालों पुराना सदियों पुराना है ये सब क्योंकि अट जो मंदिर ही आ बनावट और वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वही बहुत पुराना है ज्यू की अट इन लार साइड आप इन साइड देखो अट एक घाट बनियोड़ो है बहुत सारा लोग जब स्नान कर रहा है और आपकी यात्रा ने सफल बना रहा है ये सब लोग बड़ी मुश्किलों अट तक चढ़ने आया है और उन बाद में मैंने 3 घंटों की लंबी चढ़ाई बाद में अट स्नान करने आप रे यात्रा ने बड़ा आनंद ले इन जगह में वो मंदिर है तो मैं आपने इन मंदिर में भी ले जाऊंगा अब बार मैं जो है इन मंदिर लगभग थोड़ा सो आगे खड़ो हूँ और अटू जो है ये आड़ पाड़ रहे नजर दिखा रही हूँ आप लोगों ने इन जगह में आप देख रहे हो अटे भी एक मंदिर तो और नीचे भी अट और भी रास्ता है तो अब मैं इधर से आया हूँ नीचे और यहाँ पे भी एक जो मंदिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस तरफ भी मंदिर है और यहाँ देख रहे हो आप ये सामने है शिव मंदिर और ये बहुत पुराना है यहाँ पर देखो आप बड़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं और ये यहाँ का देखो मंदिर के अंदर जाने का ये देखिए गाइस यहाँ पर अंदर शिवलिंग था लेकिन अभी नहीं है खाली है ये और पानी इसके देखो बहुत ऊपर तक भरा हुआ है और ये देखो यहाँ पर शिवलिंग बड़ा सुंदर है अब मैं आपको शिव मंदिर के दर्शन करवाता हूँ यहाँ पे ये देखो आप पहले मंदिर का स्ट्रक्चर देख लो यहाँ से और बहुत पुराना है कि अगर कोई भी यहाँ पर मंदिर में कोई नुकसान करता है तो उसको 5,000 तक का जुर्माना है और होना भी चाहिए ये हमारा पौरातात्विक स्थल है बहुत पुराना ये मंदिर है यहाँ पे देखो जय शिव शंकर यहाँ पे ये शिवलिंग है यहाँ पर देखो गणेश भगवान का मूर्ति है बहुत ही प्राचीन मूर्ति है ये भी पूरे मंदिर में आपको जगह जगह पर शिवलिंग देखने को मिलेंगे और ये भगवान शंकर को भोलेनाथ को समर्पित है आज इस जगह पर ये यहाँ पे संरक्षित है बड़ी खुशी की बात है और हम लोग देखो यहाँ पर कितने दूर से आए हैं इस जगह पर ये देखो और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर 12 मास चाहे यहाँ पे कितनी भी गर्मी पड़े कभी भी पानी जो इनके कुंड में यहाँ पर शिवलिंग के पास में जो कुंड होते हैं वो भरे रहते हैं कभी भी खाली नहीं होते हैं और ऐसा ही इनका जो चमत्कार है ये मंदिर का और ये पांडवों ने बनाया था ये यहाँ पे देखो ये नीचे सीढ़ियाँ है अंदर जाता है यहाँ से बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है अंदर यहाँ पर तो कोई गलती से भी अंदर चला जाए तो मेरे हिसाब से वापस कभी नहीं आएगा और ये देखो यहाँ पे
बहुत अद्भुत मंदिर है। यहाँ पे देखो एक मूर्ति यहाँ पे भी स्थापित है। तो अब मैं आपने अट जो एक मंदिर और है और वह मंदिर की वीडियो आप सोशल मीडिया माते मिलियन में व्यूज आवे। तो अबे देखो आप लोगों ने मैं इन जगह मत लेना आया हूँ। पहली बात तो आप यूं देखो इन जगह ने वो एक पूरा पर्वत है और अटे जो है नीचे साक्षात भगवान शिव शंकर महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है और इन जगह में देखो एक उठ स्वामी दो और तीन और चार, तो ये चार पिलर है टूट गया है मतलब गिर गया है और जिन दिन वो पिलर टूट जाला वो कलयुग रो पिलर है और वो जिन दिन पिलर टूट जाला उन दिन दुनिया री अंत है, यूं मानने के दुनिया खत्म है। और सामने देखो साक्षात भगवान शिव जो है शिवलिंग के रूप में विराजमान है और ये स्थान देखो कितना अद्भुत है और बड़ा ही ऐतिहासिक स्थल है और इस जगह की मान्यता ये है। पूरे पर्वत के अंदर ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और इसके अंदर पानी की लेके भी ये मान्यता है कि यहाँ का जो पानी है चाहे छोटा जाओ या बड़ा जाओ उसके घुटनों तक ही लगता है, ऐसा मान्यता है इसका। जो पूरे 12 मास यहाँ पर जो है भरा हुआ रहता है, कभी भी खाली नहीं होता है और एकदम ठंडा पानी है। भगवान शिव जी जो गुफा है और अंदर शिवलिंग है दर्शन करवाया और ये देख रहे हो आप अटू झरनोर माध्यम पौनी आवे और ये मारा साथी बंधु जा रहे अटू और उन मंदिर में थोड़ी देर पहला आप लोगों ने दर्शन करवाया। मजा आ रहा, झूले रहा, झूले रहा, बहुत मजा आ रहा, मजा आ रहा, जोरदार मजा आ रहा, ठंडा पानी है देखो। तो भाइयों आज पूरी यात्रा मैंने झूलिया भी हूँ पहली बार और बड़ा आनंद आयो है और आज इन वीडियो मैंने आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और बहुत बढ़िया एडवेंचर वालों सफर करियो तो बहुत आनंद आयो। तो आप लोग भी वीडियो ने लाइक जरूर कर जो और चैनल में तो नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर जो। जल्दी मिलू पाचो कल एक नई वीडियो रहते। राम राम शाह, हर हर महादेव, जय शंकर।